मालिक डिस्कवरी सॉल्यूशन के मोबाइल टेस्टिंग में। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे काम करते हैं। आ जा अंदर लेकर। ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट जहाँ पे हम सैंपल एलिकोट करते हैं। वीटीएम पे हमारे पास सैंपल आते हैं और उसमें से हम सैंपल निकाल के एलिकोट करते हैं, छोटे ट्यूब में डालते हैं सैंपल ट्यूब में। यहाँ पे हम सैंपल एलिकोट करते हैं। चलिए आपको मैं मशीन दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन लगे हुए हैं। ये हमारे कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन है जो माइलैब की तरफ से दिए हुए हैं। ये है डेक, आगे लेकर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं हम पीसीआर के लिए टिप्स 1000 माइक्रोलीटर का, उसके बाद लगाते हैं इल्यूजन के लिए, उसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए लगाते हैं, उसके बाद दो फिर पियर्सिंग टिप्स लगता है, उसके बाद सैम्पल ट्यूब, उसके बाद ये मिक्सर है, यहाँ पे रिएक्शन ट्यूब लगाते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कार्टेज, और यहाँ पे हम इल्यूजन ट्यूब लगाते हैं, उसके बाद फिर पीसीआर के लिए कार्टेज लगाते हैं, पीसीआर ट्यूब, ये हो गया डिस्कार्ड। इसमें हम 16 सैंपल लगाते हैं, 16 सैंपल एट ए टाइम। तो इसमें कहाँ पे क्या लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें 3000 माइक्रोलीटर की टिप्स लगती है, यहाँ पे लगाते हैं। जो पहला वाला टिप्स है ये लगते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, दूसरा वाला इल्यूजन के लिए, और जो थर्ड वाला लगा है लास्ट में ये लगते हैं पीसीआर के लिए। उसके बाद दो पियर्सिंग टिप्स लगते हैं यहाँ पे। पहला वाला है वो एक्सट्रैक्शन के लिए लगते हैं और दूसरा वाला पीसीआर के लिए लगता है। उसके बाद लगते हैं यहाँ पे सैंपल ट्यूब, उसके बाद रिएक्शन ट्यूब, उसके बाद हम रिएक्शन ट्यूब लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास एक कार्टेज होता है एक्सट्रैक्शन कार्टेज, ये पहले से प्रीफिल्ड होता है, इसमें सारे रिएजेंट, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। ये है प्लेट, इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इल्यूजन ट्यूब लगता है जो कि सैंपल ट्यूब ही होता है, इसमें सैंपल नहीं होता है, ब्लैंक ही इल्यूजन ट्यूब लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पीसीआर का कार्टेज लगाते हैं और यहाँ पे पीसीआर ट्यूब लगता है, और इस तरह से हम इसको रन कर देते हैं और हमारा सैंपल डन हो जाता है अंदर 42 मिनट्स। हम सैंपल वर्टेक्स करते हैं, हमें वर्टेक्स करना पड़ता है सैंपल को लगाने से पहले। और ये हैं हमारे रमजान सर जो कि सैंपल असाइन कर रहे हैं। ये है क्वांट स्टूडियो और यहाँ पे एम्पलीफाई होता है सैंपल। और रमजान सर क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके ये है हमारे प्रिंट, ये एक्सट्रैक्शन कार्टेज रखा है, ये हमारे कॉम्पैक्ट एक्सेल 1, ये कॉम्पैक्ट एक्सेल 2, दो मशीन है जिसमें हम 64 सैंपल रन करते हैं एक बार में, मतलब एक बार एक हमारे जो कॉम्पैक्ट एक्सेल है इसमें 32 सैंपल लगते हैं, दूसरे में 32 मतलब 64 सैंपल लगते हैं एक बार में। अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्पैक्ट एक्सेल को कैसे रन करते हैं, इसके क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या आप सब जानकारी देंगे, इसलिए ये फोर सी और आप वीडियोस को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।